लॉयंस क्लब ने मनाली की समाज सेविका मीरा आचार्य के उनके निस्वार्थ भाव से किए जा रहे समाज सेवा कार्यों को लेकर सम्मानित किया है। पंजाब के बांगा में आयोजित एक गरिमापूर्ण और भव्य समारोह में उन्हें ये सम्मान दिया गया। सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित श्री साईं प्रोफेशन यूनिवर्सिटी के CMD व लॉयंस क्लब बांगा के गवर्नर SK पुंज ने उन्हें शॉल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मीरा आचार्य को लॉयंस क्लब बांगा द्वारा अपना मानद सदस्य का दर्जा भी प्रदान किया। क्लब के अध्यक्ष ने उन्हें लॉयंस ब्रांच लगाकर अपना मनोनीत सदस्य घोषित किया। मीरा आचार्य ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत लॉयंस क्लब द्वारा ये सम्मान प्राप्त करके देवभूमि कुल्लू और मनाली को गौरवान्वित करके हिमाचल प्रदेश का सम्मान बढ़ाया है। इस समारोह में पंजाब से 3 अन्य लोगों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने समाज सेवा में अपना योगदान दिया है। गौरतलब है कि लॉयंस क्लब द्वारा हर वर्ष समाज में उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य को लेकर लोगों का चयन करके उन्हें सम्मानित किया जाता है, जिसमें वर्ष 2018 के लिए हिमाचल से 1 व पंजाब से 3 समाजसेवियों का चयन किया गया था। इसके अतिरिक्त क्लब द्वारा गरीब लोगों को राशन वितरित करना, स्कूलों में गरीब बच्चों को वर्दियां व किताबें वितरित करना, समाज सेवा के कार्यों को करने में अपना अहम योगदान भी दिया जाता है। मीरा आचार्य ने कहा कि वे लॉयंस क्लब बांगा की पूरी टीम का दिल से आभार व्यक्त करती हैं जिन्होंने उन्हें इस सम्मान के काबिल समझा। लॉयंस क्लब का मैं आभार व्यक्त करती हूं जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, जो मुझे मान सम्मान दिया। आज सभी खुश हैं, कुल्लू मनाली नगर सभी, और इन्होंने जो मेरा स्वागत किया है यहाँ पे आकर फूलों से, और मैं भी समाज सेवा के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। ये सभी को करना चाहिए, जिसको ज़रूरत है, सहारे की ज़रूरत पड़ती है वहाँ सहारा देना चाहिए। मेरी जो रुचि थी समाज सेवा में, ये मेरी रुचि बचपन से ही थी। मैं अपने पापा के साथ जाया करती थी और उन्हें देखकर मुझे भी खुशी होती थी जब मैं बड़ों के साथ बैठती थी। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मुझे जो मान सम्मान मिला है ये मैं अपने नगरवासी का भी इसमें थैंक्स करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे पूरा कुल्लू मनाली में इतना सहयोग किया है।